सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल खड़े हैं हिसार के कोतकला गांव में, अड़क गांव वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल अड़क ठेकेदार लाग रहा था, तो पूरा मामला क्या हो रहा है, पूरा बड़ा पंगा हो रहा है, तो पूछ ले। राम राम जी। राम राम। तो आप यहीं से कोतकला से? कोतकला से। तो क्या मामला हो रहा है, क्योंकि ठेकेदार भी बैठा था और गाँव वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं? मामला ये है जी, कल उस साइड से बरसोड़ा साइड से लाइन दबती हुई आई है खंभों की। अच्छा। तो आई जी कल शाम ने लेट गाड़ी गई इधर, अपनी जो पर्सनल पीने का पानी और पशुओं पानी की लाइन थी पूरे गांव की। तो उसने क्या करा जी, उसमें लाइन में पाइप डाल दिया, पता नहीं उसने पता था कि नहीं पता था। अच्छा। तो जैसे ही शाम को लाइट आती 6 बजे, उस टाइम सप्लाई वाटर सप्लाई छोड़ दी, तो पानी इन खंभों में निकलने लग गया। तो एक तो अभी दो आप मौका देख लो, दो खंभे तो अभी पड़वाई गिरने के लायक उठे, पर किसी कोई भी हादसा हो इसका था। तो उसने हमने सवेरे फिर उसके पास फोन किया 9 बजे फोन, ऐसे ऐसे पाइप लाइन फूट गई है और उसको पानी की परेशानी आएगी, क्यों छोटी छोटी होती है, गर्मी का मौसम है तो जल्दी खाली हो जाए है। तो मैं नहीं ठीक कराऊंगा, पैसे दे दूंगा। तो उसने पैसे देने की बात की, तो मैं पाल नंबर के पास फोन किया, मैं पैसे मैं क्या करूँगा, मेरी पर्सनल थोड़ी है खेत की लाइन। हाँ। ये तो सार्वजनिक लाइन है, आपने थोड़ी है तो आप ठीक कराओ। बोला मैं नहीं ठीक कराता। तो उसके बाद जी उसके फोन काटने, हाँ मेरे पास आदमी नहीं। फिर उसके बाद हम 11 बजे जाने लग रहे थे, उस टाइम भी काम शुरू था। मैं बोला भाई ये तो है तुम्हारा काम लंबा, और गांव वालों ने पानी की परेशानी आ रही है, तो आप ये पहले ये पाइपलाइन ठीक कर दो, उसके बाद ये काम कर लेना। तो उन्होंने बोला जी ठेकेदार नहीं है, मत हम ठेकेदार से बात कर लो भाई, हमें आने लग रहा नहीं, हमें पुलिस केस कराएंगे। बोला जी हम उससे बात करके करा देंगे। उसके बाद जी हमें अभी से वाटर सप्लाई की एक लाइन और हम मेन लाइन पूरे गाँव में घूमती, जो वो अपने जो अपने नहर महकमे उधर हैं डिग्गी में, वो बोला भाई आप मेन लाइन है इधर, जो हमारे को बुला लेना उसके बाद काटना। हाँ, तो उन्होंने हाँ भाई हमारे को मौके पर दिखा देगा भाई इधर लाइन है, हमारे को पता है। तो उन्होंने जी उसको बगैर उसको बुलाया, एक वाल पाइप लाइन अभी फोड़ दी 2 बजे। तो उसके बाद हमारे पास उसने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे बोला भाई साहब ऐसे ही बात हो रही है। अब मैं उसके पास गया, मैं भाई साहब क्या बात हो रही है, सारा दिन हो गया मैं पूरे परेशान हो, रात ने फूटी कोई बात नहीं, शाम ने फूटगी, तो आप ठीक करा दो। तो बोला मैं नहीं कराता, बोला मैं पैसे दे दूंगा। मैं वही बात मेरे साथ, मैं बोला मैं पैसे क्या करूँगा कि लाइन तन्ने फोड़ी फूटगी, अनजाने में फूटगी, पता ना उसमें दवेश में थोड़ी फोड़ी है, तो इसको ठीक करा दे। तो उसने उससे मना करके मोटरसाइकिल लेके चला गया। फिर मैं उसके बाद उस दिन मैंने फ़ोन करे अपने दादाजी हैं उनके पास फ़ोन किया, मैं ऐसे बात होगी पानी तो आज भी नहीं आता है, परेशानी होगी। तो बोला क्या मैं ठेकेदार ऐसे कह के चले गया। तो उसके बाद मैं उसके बोला कहाँ मैं उधर उस साइड गया, हम सारे गाँव वाले चले गए। उसके बाद उसने बोलने लगे, वो बोला हमारे साथ गलत, मतलब आप कौन होते हो ठीक कराने वाले, मैं नहीं ठीक कराता, जा आप जो करना है महकमा काम, मेरा कोई काम नहीं। अरे मैं फोड़ी तो तन्ने ठेकेदार, तन टेंडर ले रखा है, टेंडर ले रखा, तो तेरे बंद ना जाने में फूटगी, तो उसे ठीक तो कर दे। बोला मैं नहीं करता। तो उसके बाद ही गांव वाले आ गए, उसके बाद उसने बाउंडर बना दिया, 112 बुला ली, बोला मेरे साथ बोला टेंट टू मर्डर की हुआ करी है, मैं ये बैठा जी सेफ। एक बात बताओ, मतलब मौके पर गांव वाले आ रहे हैं, तो मतलब सारे के सारे कहने लग रहे हैं, और ये खंबे भी बताओ अभी एक रोड पर गाड़ दिए करती ये जी। देखो दो तो अभी मौका देखो अभी पड़े हैं, दो तो अभी रह गए। मैं बोला जैसे अभी हमारे को तो पता है भाई खंबा गड़ रहा है, हमें रात में आएंगे या धुंध में आएंगे, जो बाहर का इंसान आएगा तो उसको क्या पता वो दौड़ी पट्टी देख के चलेगा, मोटरसाइकिल वाला तो फुटपाथ भी नहीं छोड़ा, फुटपाथ ही नहीं छोड़ा जी, मौका देख लो आप। तो उस बात मैं बोला जी हमने तो पता है हमारे भाई, मैंने नू भी समझा तेरे साथ तेरे भाई के साथ ही बन सकती है, गांव वाले को तो पता है खंभा गड़ रहा है पूरा उसके ऊपर, महकमा ने गाड़ दिया। तो बोला जहाँ गाड़ दिया मैंने, तो ये बातें हुई जी। अब 112 बुला ली, फिर 112 बुला जी हमने जी, मामने ही बहुत 112 वालों को मौका देख लिया। लाइन जारी है ये, कोई गवर्नमेंट लाइन जारी है नहीं जी, पर्सनल है, पर्सनल है। गाँव ने फिर भी कोई इतराज नहीं कराया, फैक्ट्री में जारी है लाइन, हमने कहा चलो किसी ने कहा अपना बिजनेस छेड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गाँव को परेशान करने के लिए थोड़ा छेड़ा है ये, तो उसने भी देखा चलो लाइन जाएगी धरती पे को वो आसमान में कौन जाएगी, मतलब जो खंबे गाड़े तो कोई पमाइश वगैरह करके या ये बिजली बोर्ड जाने या ठेकेदार जाने, हमारे को पता नहीं उस साइड से गड़ती आई थी, कल हमारे को पता नहीं था, सुबह शाम को जो पानी छोड़ा पानी इधर सप्लाई में आया नहीं, उसके बाद हमने मौका देखा जब इन्हें जो खंबे गड़ रहे पानी चलने लग रहा, खंबे दो साइड रोड की साइड हो रहे, उस टाइम हमारे रात में हमारे पास फोन नहीं था, सुबह हमने ठेकेदार को फोन करा ऐसे ऐसे। एक और मामला मतलब ताऊ का कहना है कि प्लॉट में गड़ दिया। हाँ जी मैं मौके पर हाजिर था जब खंबे गड़ रहे थे, मैंने ठेकेदार को कहा माँ ये मेरा प्लाट है और हमने केस जीत के रोड तड़वाया है, ये खंबे इधर मत काटो, परली तरफ से मिलायत है, इससे 10 फुट परली तरफ से मिलायत है, वहाँ निकाल गाड़ दो। वो नहीं माना, फिर भी वो दोनों खंबे गाड़ दिए। उस दिन तो बोला मैं इसको कल पड़वा दूंगा, आज मना कर गया, बोला मेरे बस की बात नहीं है, जहाँ से जाना है जाओ। मैं बोला मैं कोर्ट में ले जाऊँगा आपको, बोला मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन खंबे नहीं पाड़ूंगा।
देखो भाई गांव वाले हो रहे परेशान है। एक तो है गांव वाले का कहना है कि जो बिल्कुल रोड है रोड पे खंबे गाड़ दिए हैं, कल ना कोई भी बाहर का आदमी आओगा तो सीधी टक्कर लगेगी, और वैसे भी बराबर में फुटपाथ नहीं छोड़े कि आम आदमी चला जा। और दूसरी बात है जो इनकी गांव की पूरी पाइपलाइन थी वह डैमेज कर दी है, पानी हड़े लकड़ लाग रहा, गाँव मर लाग रहा तसाया। और तीसरी बात है कि एक अपने पर्सनल प्लॉट में गाड़ दिया कहने के बावजूद भी। तो सर आप बिजली डिपार्टमेंट से हो, क्या नाम है? मेरा संदीप लाइनमैन जी। तो आपका क्या कहना सर इस मामले पे? मेरा तो जी अफसर करके थे यार, मैं तो गांव वाले आए बुलाया मैं गया। अच्छा, ठेकेदार दिखा था भाई अपना जो गलत है उसको टुवा दो और वाटर सप्लाई ठीक करा। मतलब ठेकेदार कह रहा मैंने तो गाड़ दी तो बिजली डिपार्टमेंट टटवा होगा। वो तो जी वो पुलिस आई है यार, उसकी करी थी बात, कह रहा था करवाऊंगा मैं। तो भाई फिलहाल मामला यो है, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि गांव वाले देखो अगर आपने गांव वाले की पूरी बात भी सुनी है, गांव वाले गलत है या सही है, क्योंकि अगर इस प्रकार तक खंबे काटे जान लग रहे ना कोई पमाइश ना कोई और जड़े जी कर उड़े खंबे काट दिए जा है, और तो और मतलब कहने के बावजूद भी लगातार खंबे काटे जान लग रहे हैं, पाइप लाइन में गाट दिए जरा पानी निकलने लग रहा है, और गांव वाले हो रहे परेशान, और फिलहाल 112 भी आ रही है। दो तो गांव वाले ने कह कू कह धक्के था क्योंकि पड़वा दिए हैं, और आप देखोगे कि रोड मार इसमें कितना बिच्चा है। दूसरा आप देखोगे कि यह सारी मट्टी आली हो रही है, गिल्ली हो रही पूरी की पूरी, क्योंकि यो सारी है ना यो खंबा सीधा का सीधा जो पानी की पाइपलाइन है उसमें जा रहा है। और भी देख लो आप खंबे जो भी हटाए नहीं गए हैं, ये दो तो हटवा दिए क्योंकि पाइपलाइन के भीतर थे, ये दो खंबे पट्टे पड़े हैं जो गांव वाले ने कह कू कह कटवा दिए हैं। और आगे भी देख लो आप कि ये तो गाड़ के चले जाएंगे लेकिन दुखी होंगे गांव वाले भी होंगे क्योंकि इनकी पाइपलाइन फूट गई है। और दूसरा है खंबा है, जो खंबे बिल्कुल सारे काट दिए गए हैं, कल न गाड़ी आवे है बाइक आवे है तो पूरा एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो भाई आप देख ला रहे हो कति मतलब रोड के कति सारे काट दिए यार, गांव वाले के कहने के बावजूद भी गांव वाले का कहना है कि अकड़ में बोल रहे हैं न्यू भी नहीं भी कोई बात ना गलती तो चीज़ हो जाए, अगर पानी का या पाइपलाइन का पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है वो शामी हो रहा है कि मैं नहीं करवाऊंगा मन ने कौन सा वो कराया है। तो मतलब ये देख लो आप जो भी है आपके सामने है आड़ा गाड़ दिए इसके बीच में गाड़ दो लगे लुगे और के था। तो प्रशासन तक बात करेंगे भी, प्रशासन पहुंचे हम मौके पर 112 बुला ली है, तो उनका क्या कहना है? मौके पर ठेकेदार ने 112 बुला ली, जो मामला था आपने देखा कि गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे और जो वे गाड़े गए थे खंबे गाड़े गए थे, तो 112 आड़ खड़ी है मौके पर, तो 112 आड़ ने फिलहाल चौकी में भेज दिया है। तो किस लिए बुलाई थी तऊ आड़? उसने अपने हिसाब से बुलाई थी, अभी 112 ने मौका देख लिया, इनके इनकी मौका देख लिया सच्चाई में क्या है। अच्छा। अभी वो बोले भाई कुछ है तो नहीं, तेरा को हाथा पाई नहीं हो रही, और मैं तो ठीक इतने जब 50-100 लोग गांव के बैठे उनके बीच में बैठे हर चाय पीने लग रहा है कुछ ही देर की है, तो तेरे साथ हाथा पाई कहाँ आई है? उन्हें मौका देख लिया। अच्छा, उसके मतलब ये आरोप लगाया उन्होंने कि गांव वाले ने थपाई करी। हाँ थपाई करी है ब्रेंड, वो 112 वाले बता रहे थे लगा ऐसे कॉल आई अटैप टू मर्डर, और वो बैठे वो चाय पीने लग रहा है, ओखा पीने लग रहा है, हमारे बीच में बैठा रहा है, उससे बातचीत करने लग रहे, तो इनकी मौका देख के उन्हें तो चौकी में चला जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा भाई, गांव राम के आगे तेरे पर कुर्सी दे रही है, चाय का कप तो हाथ में ले रहा है, तो अटैप टू मर्डर का कहाँ क्या बात होगी? हम उससे बात कर रहे थे भाई तुम्हारा पानी की परेशानी है, मेरे भाई कर दे इसने जुड़वा दे और हमारा पानी आ जाए, बच्चे वहाँ पर चाय मन लग रही है, बात हुई थी जी। तो भाई आप ठेकेदार मतलब देखो पहले भी कितने काम देखो ठेकेदार की, ठेकेदार करके चले जा है, लेकिन दुखी हुए तो गांव वाले हुए हैं, पीछे तो वे चक्कर काटे जा है कि तो प्रशासन के चक्कर काटे जा कि तो बिजली डिपार्टमेंट के चक्कर काटे जा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं होता। तो तस्वीर ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, तो कि गांव वाले दुखी हो रहे हैं, इनका काम हो जाए और ठेकेदार पर कार्रवाई हो जाए। तो साथियों फिर मिलेंगे।